Hi, this is Ranjit, Learning and Development Practitioner and co-author of the book Winning It Together. I'm really thankful to Mr. Hassam, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया इस किताब को लिखने में, जिसका नाम विनिंग इट टुगेदर। जो भी इस वक्त वीडियो सुन रहे हैं और उनको ये किताब पढ़ने का शौक़ है या वो किताब पढ़ना चाहते हैं, सो प्लीज़ जस्ट गिव मी कॉल एंड आई गिव यू माई नंबर्स। एंड आप मुझे रंजीत कुमार के नाम से लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। फर्दरमोर क्वेश्चन का आंसर देते हुए कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली टू आइडेंटिफाई द गैप्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उसके हम गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं। कौन से वाले गैप्स? नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज एंड बिहेवियर्स के। उसके बाद हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनके साथ एक बड़ा रैपोर्ट डेवलप करते हैं कि आप कहाँ और कैसे आगे बेहतर काम कर सकते हैं। एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की एक सब ब्रांच है, जो वो दोनों मिलकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले को सपोर्ट करते हैं कि आज आप कहाँ हैं, कैसे जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, उसको निगोशिएट कर रहे होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। ये फील्ड 2014 में सबसे पहले लॉरेंस एंथनी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराई थी और मुझे पता ही नहीं था सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। मैंने अप्लाई किया एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम अमन फाउंडेशन है और वहाँ मैंने अपना आगाज़ किया। मुझे नहीं पता था मैं ये जो ट्रेनिंग्स करा रहा हूँ ये ट्रेनिंग्स मुझे कहाँ लेकर जाएंगी। लेकिन उसके बाद 2 साल तक हमने काम किया। देन आई जॉइन साउथ अफ्रीकन बेस्ड कंपनी दैट इज कॉल्ड स्मोलन पाकिस्तान, जो यूनिलीवर के लिए काम करती है और पाकिस्तान टोबैको कंपनी के लिए काम करती है। वहाँ पर मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर था और वहाँ पर मैंने अपनी खिदमात एज अ ट्रेनर दी। उसके बाद रीजनल टीम लीडर बना, जहाँ पर हम सेल्स, उसके बाद KPIs, उसके बाद सेल्स इंटरसेप्शन, मैनेजिंग द पीपल, मैनेजिंग द सेल्स एंड इस तरह का काम करते थे। और फर्दर आप बताते चले, आजकल मैं एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंपनी में काम करता हूँ जिनका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल्स के साथ है। और उसके बाद मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मैं यूट्यूब पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाता हूँ। आप कहेंगे अपने मुँह में मिट्टू बन रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि इफ़ यू आर अ ब्रांड यू हैव टू पिच दैट यू आर मेकिंग अमेजिंग वीडियोज़। क्योंकि 2023 में भी मेरा गोल यही है कि आई हैव टू बी इन द टॉप 10 लिस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स साइकोलॉजी काइंड ऑफ कंटेंट इस ज़बरदस्त किस्म का बनाऊँ, लोगों से शेयर करूँ। और उसके बाद मेरी जो अगर हॉबीज़ की हम बात करें तो मैं फ्री टाइम जब मैं वॉक करता हूँ तो गीगल पे ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ में मैं किताबें सुनता हूँ। मैं उनका प्रीमियम मेंबर भी हूँ और तकरीबन हफ्ते में मैं 20 से 25 किताबें सुन लेता हूँ और अपना कंटेंट को इम्प्रूव करता रहता हूँ। उसके बाद आजकल अगर शौक की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स और साइकोलॉजी इज़ माई न्यू द हॉबी, जिसके साथ मैं ज़्यादा ज़बरदस्त टाइम इस्तेमाल अपना टाइम यूटिलाइज करता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बहुत ही पावरफुल आपके साथ बात करना चाहूँगा। जब भी आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं तो यू हैव टू बी फोकस्ड। जब लोग उस फील्ड का, उस शोबे का नाम लें तो उसमें आप नंबर 1 की हैसियत से जा रहे हैं, नंबर 2 की हैसियत से जा रहे हैं, नंबर 3 की हैसियत से जा रहे हैं। इफ़ यू डू सो मैनी थिंग्स, इफ़ यू डू सो मैनी थिंग्स, इट मीन्स यू आर डूइंग नथिंग। इफ़ यू डू 1 थिंग, कीप फोकसिंग ऑन इट एंड यू विल बी द नंबर 1। तो आज मेरी एक ज़बरदस्त किस्म की बात हो रही थी, उसमें कोट करूँगा बिकॉज वीडियो को शॉर्ट भी करना है। अगर विराट कोहली सोचता कि मुझे फुटबॉलर बनना है तो शायद आज वो नंबर 1 बैट्समैन नहीं बन पाता। मैसी और रोनाल्डो अगर सोचते कि यार मैं थोड़ा सा फुटबॉल खेल लेता हूँ, थोड़ा सा गोल्फ खेल लेता हूँ, थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेता हूँ, थोड़ा सा टेबल टेनिस में टाइम लगाता हूँ, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। दे स्पेंड 20 ईयर्स ऑफ लाइफ इन 1 फील्ड, दैट इज अ सॉकर, एंड दे बिकम नंबर 1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर टाइगर वुड्स की बात करें, अगर वो क्रिकेट का सोचता है, सिंगिंग का सोचता, पढ़ने का सोचता, प्रोफेसर बनने का सोचता, आज वो गोल्फ में नंबर 1 गोल्फर नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड स्टे फोकस्ड, फॉलो अप योर ड्रीम्स एंड रिजल्ट्स विल कम टू यू। दिस इज कॉल्ड FFR मॉडल, फोकस, फॉलो अप, रिजल्ट विल कम टू यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है जो मैं आप दुनिया के साथ शेयर करता हूँ, जो ये है, It's not over until you win. Winners don't do different things, they do things differently. And I believe that you will do things differently if you are focused, if you follow up, the result will come to you. Thank you very much, Ranjit.